गुड आफ्टरनून गाइज़ वेलकम बैक इन ए डिफेंस अकेडमी तो आज हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि ए सी वन टू नाइन और वन थ्री जीरो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस रहेंगे और अगर आप किसी और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी रहे कर रहे हैं तो जनरल साइंस में से आप इन क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो सीधे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ डी आर डी ओ डी आर डी ओ के हेड क्वार्टर कहाँ हैं ठीक है डी आर डी ओ हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी परफॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो, तो डीआरडीओ के हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है ठीक है और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी डीआरडीओ की 1958 में ठीक है तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेयर इज बिक्रम सारा स्पेस सेंटर बिक्रम सारा स्पेस सेंटर कहाँ पर है तो इसका सही आंसर है तिरुवंतपुरम में ठीक है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी बिक्रम सारा स्पेस सेंटर की 1963 में ये एक लीडिंग सेंटर है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडिंग सेंटर है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या है कहाँ पे है विक्रम सारा स्पेस सेंटर तिरुवंतपुरम में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एन ओडोमीटर इनमें से ओडोमीटर से किसको मेजर किया जाता है सबसे पहले ओडोमीटर क्या होता है ऑडोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्टेंस को मेज़र करता है तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑटोमीटर का यूज़ किया जाता है तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी डिस्टेंस ठीक है तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु इन्वेंटी ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर किसने इन्वेंट करा था ट्रांसफार्मर तो इन्वेंट करा था फेरेडे ने और ये कब इन्वेंट करा था इन्होंने इन्होंने इन्वेंट करा था अगस्त अगस्त एटीन थर्टी वन में ठीक है एटीन थर्टी वन में इन्होंने ट्रांसफार्मर इन्वेंट करा था आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर इनमें से जो आ, हमें दिए हुए हैं ऑप्शन इनमें से इंसुलेटर कौन सा है तो ऑप्शन हैं कार्बन रबड़ सिल्वर और कॉपर सबसे पहले इंसुलेटर होता क्या है इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता ठीक है ना जो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एलो नहीं करता उसको बोलते हैं इंसुलेटर ठीक है बाकी हमें कंडक्टर्स दिए होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को एलो करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा रबर ठीक है ये हमारे पास एक इंसुलेटर होता है जो करंट को एलो नहीं करता आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वन ओहम इज़ इक्वल टू वन ओहम इक्वल होता है तो ओह ओहम स्लाह आपने पढ़ा होगा ओह स्लाह के अकॉर्डिंग वन ओहम होता है किसके इक्वल वन बोल्ट अपॉन वन एम्पियर के इक्वल ठीक है ओहला ने ये बताया है और पब्लिश कब हुआ था 1827 में ठीक है 1827 में उमला पब्लिश हुआ था इसके अकॉर्डिंग वन ओह इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पेयर होता है और रेजिस्टेंस किसके कोल होता है वोल्टेज अपॉन करंट के कॉल होता है ठीक है तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलिंग आर रजिस्टर्स इनमें से कौन से रजिस्टर्स हैं सबसे पहले रजिस्टर्स होते क्या है वो डिवाइस जो वो डिवाइस या मटेरियल जो करंट को एलो नहीं करता ठीक है ना उनको बोलते हैं रजिस्टर्स तो आपको पता है कि सिल्वर कॉपर एलमिनियम ये सारे हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं तभी हम देखते हैं कि घर में कॉपर एलमिनियम वगैरह की वायर्स यूज़ करी जाती हैं तो ये रजिस्टर्स होते हैं ये करंट को एलो नहीं करते तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर तो कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट uh, करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है रेजिस्टेंस वो अपोजिट फोर्स होती है जो फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट चलती है ठीक है ना जो करंट करंट के फ़्लो के अगेंस्ट चलती है उस फोर्स को रेजिस्टेंस कहा जाता है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे इफेक्ट करता है इसके लिए सही आंसर है आल ऑफ अबव ठीक है लेंथ ऑफ कंडक्टर जितनी uh, हमारे पास मटीरियल की लेंथ होगी उतनी ही उस उतना ही उसमें रेजिस्टेंस होगा ठीक है ना उतना ही वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ये फर्स्ट पॉइंट था लेंथ ऑफ कंडक्टर देन था टेम्परेचर ऑफ़ कंडक्टर जितना मटेरियल मटेरियल uh, का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही वो मटेरियल क्या करेगा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो रेजिस्टेंस मटेरियल टेम्परेचर ऑफ़ कंडक्टर पर भी uh, पे भी इफेक्ट करता है तो नेक्स्ट ऑप्शन है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर तो आपको पता है कि आयरन जो ज़्यादा रेजिस्टेंस सफ़र करता है एज कम्पेयर टू कॉपर और एलमिनियम तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर भी किसको रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस इन्फ्लुंस कर, करता है तो इसके लिए सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव ठीक है ना ये सारे जो फैक्टर्स हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर ये सारे इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को ठीक है तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब कि किसके बढ़ने से क्या कम होता है और किसके कम होने से क्या ज़्यादा होता है तो इसका सही आंसर रहेगा इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है इसका आंसर रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या था कि रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑफ़ द फॉलोइंग इज ए करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट इनमें से करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है तो आपको पता है कि ग्लवेडोमीटर ग्लवानोमीटर का यूज करा जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए ठीक है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये ग्लवेनोमीटर का यूज करा जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे कोर्स के रिलेटेड वही इन्फॉर्मेशन दी है अगर आप हमारे ए सी सी वन टू नाइन और वन थ्री ज़ीरो में इनरोल होना चाहते हैं और सीरियसली आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वही दो टू मंथ्स बचे हैं ए सी सी वन टू नाइन के लिए तो अभी इसमें इनल हो जाएँ और इनल होने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है एट वन टू ज़ीरो सेवन फोर फाइव नाइन डबल सिक्स तो इस पर अभी आप मैसेज कर सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे लाइव क्लासेस मिलेंगी मॉक uh, टेस्ट मिलेंगे और फाइव ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही में आप हमारी ए डिफेंस एकेडमी की ऐप को भी अभी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके ठीक है अगर आप सीरियसली भाई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं भाई तो आते हैं हम क्वेश्चंस पे तो यहाँ पे क्वेश्चन है रियोस्टैट इज़ द अदर नेम ऑफ रियोस्टैट का अदर नेम क्या है सबसे पहले रियोस्टैट होता क्या है ये एक हमारे पास एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस को बैरी करके ठीक है ना रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके करंट uh, को कंट्रोल किया जाता है किसकी मदद से रियोस्टैट की मदद से तो इसलिए इसको बैरिएबल रजिस्टेंस भी कहा जाता है तो रिय का दूसरा नेम क्या है बैरिएबल रजिस्टेंस ऑप्शन बी तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वट इज ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टेंस ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टेंस क्या होता है रजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है भाई तो इसका आंसर है ओहम ठीक है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेम ए डिवाइस यूज फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की मैग्नीफेसन के लिए किस डिवाइस का यूज़ करा जाता है तो इस तो इस डिवाइस का नाम है बाइनोकुलर्स ठीक है ये हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करा जाता है तो तो ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन के लिए किस डिवाइस का यूज करा जाता है बायनोकुलर्स का ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेम ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसका नेम है डायनेमो ठीक है डायनेमो क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेम ए डिवाइस थ्रू विच द ट्रुथनेस ऑफ द ह्यूमन बींग इज़ एग्जामिंड कौन सा डिवाइस है जो कि इंसान में से उसके जो सच्चाई होती है ठीक है उसको डिटेक्ट कर सकता है कैसे कर सकता है वो साइकोलॉजिकल रीडिंग के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकता है ठीक है ये उसमें ये डिवाइस आपकी हर्ट बीट चेक करके आपकी स्वेटिंग चेक करके तो साइकोलॉजिकल वेज़ में ये देखता है कि इंसान का क्या रिएक्शन होता है तो उस तरह से इस डिवाइस का यूज़ करा जाता है तो इस डिवाइस का नाम है पॉलीग्राफ ठीक है तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ क्वेक कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए तो इस डिवाइस का नाम है सिस्मोग्राफ ठीक है सिस्मोग्राफ का यूज करा जाता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनमें से कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो सिंपल क्वेश्चन है बैटरी क्या करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी करती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल इज द यूनिट ऑफ जूल किसका यूनिट होता है ये होता है वर्क का तो आपको पता ही है भाई ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का जूल होता है तो यही 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 हमें बोला कि जूल किसका यूनिट होता है वर्क का और जूल किसके होता है के जी मीटर स्केयर अपॉन सेकेंड स्केयर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर पावर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो इसका सही आंसर है वॉट ठीक है ना ये ऐसा SI यूनिट्स वही याद होने चाहिए क्योंकि ऐसा SI यूनिट्स में से क्वेश्चन बनता है तो इस पर एक और वीडियो हमने बनाई है जनरल साइंस की आप इसको चेक कर सकते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर्स तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है पावर का वॉट आपको पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है वॉट तो स्मॉलेस्ट यूनिट या एसा यूनिट पूछे तो उसका क्या आंसर रहेगा वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसिडेंट रे इज़ इंसिडेंट रे कौन सी होती है ठीक है मिरर पे जो रे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे क्या करा है यहाँ पे क्या करा है मिरर का केस लिया हुआ है तो जनरली मैं बोलूँ तो सरफेस पे जो रे स्ट्राइक करती है तो उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे और जो क्या करती है वहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है रे उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे ठीक है ना यहाँ पे आपको डायग्राम में आप देख सकते हो जो रे स्ट्राइक करेगी मिरर पे या फिर सरफेस पे तो उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है नेक्स्ट जो रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद तो उसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है और और वो रे जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमें पूछा कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है होती है तो इसके लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस वो रे जो स्ट्राइक करेगी मिरर पे या फिर सरफेस पे तो उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है तो भाई यही था आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्ज़ाम में आप इन क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को ज़रूर देखोगे ठीक है और कोर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया भाई अगर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करनी है तो भाई आप अभी से उसके लिए अपना माइंड बना लें और हमें अगर कोर्स में इनरोल होना है तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें ठीक है उसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल uh, में इंफॉर्मेशन दे देंगे और बाकी कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वीकली और मंथली मॉक टेस्ट भी मिलेंगे सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे तो ठीक है भाई इतना ही था थैंक था। यू वेरी मच